नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए फंसे विरा समाचार में। पिछले शनिवार रात 11 बजे जैसे ही यह खबर आई कि अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति, राजनेता, फिल्मी जगत की हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां उनको शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने लगी। कई लोग मंदिर में पूजा पाठ करने लगे अमिताभ बच्चन जी की स्वास्थ्य को लेकर। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारे सदी के महानायक हैं, हर लोगों को उनकी चिंता रहती है। पर मेरा एक सवाल है सभी से कि अमिताभ बच्चन जी सिर्फ अकेले कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्या? हमारे देश में आज तक लगभग 9.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसमें से 23,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के ग्रास भी बन चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। हाँ, 5 लाख लोग ठीक होकर भी आए हैं, पर जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे 9.25 लाख लोग, उनके लिए क्या किसी ने स्वास्थ्य की शुभकामना लेकर ट्वीट किया था क्या? या तो होड़ मची थी कि सबसे पहले कौन ट्वीट करे, कौन स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दे अमिताभ जी को, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। मेरा उनसे सबसे एक सवाल है। अमिताभ जी निश्चित रूप से हमारे आइडल हैं देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, पर जो 9.25 लाख कोरोना से ग्रसित है, अगर उनके लिए कभी आप ट्वीट करते, कभी उनके लिए शुभकामना देते कि आप जल्दी स्वस्थ होकर घर पर आ जाइए, बहुत अच्छा लगता। खास बात हमारे पुलिसकर्मी जो लॉकडाउन 1, 2, 3 में हमको गाने गाकर, डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर हमको घर पर रखकर सुरक्षित रखा, और लगभग 100 के आसपास हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कोरोना के काल बन गए, उनके लिए कभी कोई ट्वीट नहीं आया। पुलिस के अलावा CRPF, होमगार्ड, वो भी ड्यूटी पे थे, अत्यावश्यक सेवा वाले, उसमें मेडिकल कर्मी आ गए, मेडिकल कर्मी, चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, नर्स जो कोरोना का इलाज कर रहे थे, कुछ डॉक्टर और नर्स भी कोरोना के ग्रास बने, उनको भी अपना जीवन सौंपना पड़ा, उनके लिए भी ट्वीट नहीं आया, उनके लिए कभी 2 शब्द किसी ने नहीं बोले। तब मन में एक खंत होता है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही सब शुभकामना या ट्विटर यूज किया जाता है क्या? आम नागरिक के जीवन की कोई कीमत नहीं है क्या? मैं वसई विराज समाचार के माध्यम से अमिताभ बच्चन जी के साथ साथ जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनके लिए शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ जो हमारे 23,000 से ज्यादा लोग कोरोना के काल बने हैं उनको हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, और जो एक्टिव केस, जो अपना इलाज करा रहे हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना भी वसई विराज समाचार की तरफ से करता हूं। धन्यवाद।